लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। यहाँ इसकी जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से दी और ये कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मेरे परिवार और मेरे स्टाफ मेंबर सभी को अंडर ट्रीटमेंट रखा गया है और साथ ही साथ सभी से अनुरोध किया है कि 10 दिनों के अंदर जो भी अमिताभ बच्चन से मिला है, यानी कि ये सारा कुछ अनुरोध अमिताभ बच्चन ने ही किया है कि जो कोई भी उनसे 10 दिनों के अंदर मिला है कृपया वो अपनी जांच करा लें। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि अपने आप को सोशल मीडिया से अटैच रखने वाले अमिताभ बच्चन, जो कि लोगों से इस वक्त मिल भी नहीं रहे हैं, अचानक उन्हें कोरोना कैसे हो गया। वैसे ये भी बताया जा रहा है कि अमिताभ ने इन दिनों हालिया दिनों में काफ़ी मीटिंग की थी अपनी फिल्मों को लेकर और आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर। हो सकता है उनमें से ही किसी को कोरोना हो और मिस्टर बच्चन को कोरोना हो गया हो। वैसे इन सब की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने दी और ये बताया कि वो नानावती हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। साथ ही साथ अब उनके फैंस उनकी जल्द ही सलामती की दुआ करने लगे हैं। और तो और अब बॉलीवुड से भी कई लोग उनकी सलामती के लिए मैसेज कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं पॉजिटिव रहने के लिए। वैसे हाल ही दिनों में बॉलीवुड के लिए ये साल बड़ा ही मनहूस बनकर आया है। बीते दिनों में बॉलीवुड में ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं जिससे दिल टूट जाए, फिर वो सुशांत सिंह की आत्महत्या की खबर हो या फिर अब मिस्टर बच्चन का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना।